मैं आज जा रही हूँ अजमेर से बस पकड़कर उदयपुर, और रास्ते में ही मुझे ये समझ आ जाता है कि क्यों बस से ट्रैवल करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। किसी भी जगह की खूबसूरती आप तभी एक्सप्लोर कर सकते हैं जब आप वहाँ के लोकल्स की तरह ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं। राजस्थान में आकर मुझे अब तक ये समझ आया है कि इस जगह को जैसे फिल्मों में या टेलीविजन पे दिखाते हैं वैसा नहीं है। राजस्थान कल्चरली बहुत ज्यादा रिच है, हर जगह पानी की कमी नहीं है और पूरा स्टेट रेगिस्तान नहीं है। अजमेर से उदयपुर बस से लगभग 7 घंटे का सफर है, लेकिन मेरी बस खाने के लिए कहीं भी नहीं रुकती, तो मुझे केले ही खाकर गुजारा करना पड़ता है जो यहाँ पर दर्जन के हिसाब से नहीं किलो के हिसाब से मिलते हैं। तो फाइनली मैं पहुंच जाती हूँ सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर, लेकिन हमेशा की तरह यहाँ से शुरू होता है असली स्ट्रगल, जो है रहने के लिए जगह ढूंढना। मेरा बजट होता है 800 रुपए, लेकिन यहाँ पर कोई भी अपना रूम 800 रुपए में देने के लिए तैयार नहीं होता। मैं लगभग 10 होटल्स में घूमती हूँ, लेकिन तब भी मुझे कोई डिसेंट रूम नहीं मिलता। या तो रूम्स ओवर प्राइस्ड होते हैं या फिर बहुत ज्यादा गंदे होते हैं, पर वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। फाइनली घंटों तक घूमने के बाद मुझे एक होटल मिल जाता है जो मेरे बजट में होता है, और ये रूम काफी साफ और सुंदर होता है। उदयपुर में घूमने के लिए कौन कौन सी जगह है ये जानेंगे कल।